हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है घर से, और हम कल आए थे राजस्थान से, और बेटी की हो गई थी तबीयत ख़राब। वहाँ पर हथरी का दर्द हुआ, उठा था उसको, तो आज अभी सुबह में हॉस्पिटल लेके जाएंगे। 10 बजे आएंगे यहाँ पे डॉक्टर। अभी ये सो रही है, अभी मैंने इसको बोला बेटा उठ जाओ, हॉस्पिटल चलना। अभी बजे हैं सुबह के 8, और बहुत ज़्यादा थके हुए हैं एकदम से। पैर में बहुत ज़्यादा पेन है मेरे, क्योंकि इतना ज़्यादा भाग दौड़ किया। इस बार तो गांव में हमारे सारे ही बीमार हो रहे हैं, सबसे मिलकर आए, और बस ऐसे ही है। फ़ोन भी मेरा चार्ज नहीं पड़ा, वो पड़ा हुआ था, वो चार्ज नहीं था फ़ोन ये वाला, तो ज़्यादा क्लिप नहीं बना पाई। बस थोड़ा थोड़ा करके ब्लॉग बनाया मैंने, एंड में भी नहीं बोल पाई। अब क्या करूँ, तो अब मजबूरी इतनी हो रही थी, अच्छा भी नहीं लग रहा था। वहाँ पर जिठानी के भाई का इतना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, किसी ने उसको पीछे से मार दिया, गाड़ी वाले ने, किसी ने, वो जा रहा था बाइक पे, और उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट आई है, ऑपरेशन हुआ उनके सर का, उस वजह से दिमाग ख़राब हो रखा था। अब हम आ चुके हैं दिल्ली, और लगा रखी है मशीन कपड़े धोने वाली। ये सो रहे हैं मार्टिन भाई सब, ये देखो, ये मार्टिन भाई सब सो रहे हैं अपने भाई बहन के बीच में, पैरों के बीच में सो रहे हैं मार्टिन भाई सब। और ये लगा रखी है मशीन, इसमें है मेरी साड़ी वाड़ी जो मैं धो के निलाई वहाँ से। अब ये धुले कपड़े, ये चढ़ा दी मैंने चाय, ये ले ली मैंने चाय, ये है मेरी और ये है हस्बैंड की। अरे बाल खराब हो गए, ऐसे हो गए जूड़ा बना बना के वहाँ पर, क्योंकि वहाँ टाइम ही नहीं मिला इस बार तो धोने का। और ये लगा लो कि मैं 5 तारीख को गई थी यहाँ से, दिल्ली से राजस्थान, अब 5 से अब हम आए कल, तो कल कौन सी तारीख थी, 10 तारीख को हम आए हैं। पूरे 5 दिन में, 5-6 दिन में आए हैं हम, क्योंकि 5 तारीख को तो हम सुबह सुबह निकल गए थे यहाँ से, और हम पूरे 6 दिन में यहाँ से आए हैं। 6 दिन से दुकान बंद पड़ी हुई है, इतने फ़ोन आए हैं ग्राहकों के होली के बाद में भी काम कराने के लिए। और क्या करूँ, मजबूरी है मेरी, क्योंकि पिताजी की तबीयत सुन के गए थे, पिताजी की बहुत ज़्यादा तबीयत सीरियस थी, ख़राब थी उनकी, तो अब वो भी ठीक है। और बस वो जिठानी के भाई का जो एक्सीडेंट हुआ, वो बस फ़ोन करके पूछे थे रात को, तो उनका भी ऑपरेशन वगैरह सब हो चुका है, वो भी ठीक है। और बस अब इस बेटी को दिखाना, इसको भी दर्द उठ गया था पथरी का, तो अभी लेके जाएंगे इसको भी, सो रही है, तो मैं कह रही बेटा जग जा, लेकिन कह रही मम्मी आराम से उठ जाऊंगी, क्योंकि 10 बजे में तो अभी बहुत टाइम है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब देखती हूँ कौन लेके जाएगा, अगर बेटा लेके जाएगा, नहीं तो फिर हस्बैंड और बेटे लेके जाएंगे, क्योंकि मैं तो दुकान खोलूँगी, दुकान में भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही होगी, क्योंकि 6 दिन से दुकान हमारी क्लोज पड़ी है, बंद पड़ी है ऐसे ही, और पूरा काम फैला पड़ा था, क्योंकि जिस दिन मैं गई थी उस दिन बहुत सारा काम था। अब देखती हूँ क्या होता है, अगर मैं जाऊँगी तो चली जाऊँगी, नहीं तो फिर ये लोग जाएंगे हॉस्पिटल। और अब ये बन चुकी है चाय, अब चाय पीऊँगी, थोड़ी देर बाद में फिर इनको बच्चों को जगाऊँगी। ये उठ चुका है मार्टिन भाई साहब, और देखो यहाँ लेटा है, और ये उठ चुकी है दीदी उसकी, मार्टिन की दीदी, जो इनको हॉस्पिटल लेके जाना है। उठो बेटा, हैं, उठो। अभी इसको चाय वाई नहीं दी, क्योंकि चाय वाई के लिए मना कर दिया कि क्या पता टेस्ट होएगा, तो खाली पेट होगा इसका टेस्ट। उठो, फिर आगे आगे करेगी नाश्ता। और अभी इसका भाई देखो, इसका भाई भी जाएगा साथ, तो भाई भी सो रहा है अभी। बेटा उठो बेटा, हॉस्पिटल चल रहा है, फिर दुकान भी खोलनी है, हैं, उठो। और ये देखो, अरे नहीं नहीं नहीं, और ये मार्टिन भाई साहब, ये तुरंत भाग कर आए अपनी दीदी के पास। ये देखो, ये हो रहा प्यार मार्टिन को, ये देखो डायरेक्शन मार्टिन का, अपनी बहन के साथ ऐसे पड़ा हुआ है। नीनी भी आ रही है, दोनों को, बहन भाई को। अभी हो गई रेडी हॉस्पिटल जाने के लिए, चले चलो। इसको कुछ भी नहीं दिया, ना चाय ना पानी, कुछ भी नहीं दिया, ये खाली पेट जाएगी, क्योंकि हो सकता है टेस्ट हो आज इसका। चलो आ गए हॉस्पिटल। लाइन में
ये बन चुकी है इसकी पर्ची और अभी डॉक्टर आए नहीं है, डॉक्टर आएंगे 12 बजे। मैं जाऊं क्या, गाड़ी लेकर आऊं? नहीं आने, छोड़ पागल है, ऑटो से जाएगा फिर वापस आएगा, क्योंकि हम ऑटो से आए हैं और इसमें टाइमिंग लिखा हुआ है और वेट करना पड़ेगा हमें 12 बजे तक। सुबह मॉर्निंग से ऐसे निकले हुए घर से और लग रही है भूख इसके भाई को, क्योंकि ये तो खाएगी नहीं क्योंकि अभी डॉक्टर आई नहीं है, तो इसको चेकअप होगा उसके बाद में ये खाएगी। जब तक मैं और बेटा गया है, पता नहीं क्या लाएगा, समोसा लाएगा, छोले भटूरे लाएगा, क्या लाएगा, वो हम थोड़ा थोड़ा खा लेंगे दोनों जनी, दोनों मम्मी बेटे। बाकी ये रहेगी आज भूखी, ये आज भूखी रहेगी। और इसका इसका मन हो रहा है ये वाली चॉकलेट खाने का, सबसे ऊपर में रखी जो लाइन, वो कह रही है कि मम्मी मेरा ये मन कर रहा है। ये ले गए छोले भटूरे और इसको लग रही है भूख बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह से रात में इसने खाना ढंग से नहीं खाया। अभी हम कर रहे हैं इंतजार डॉक्टर का और डॉक्टर आएगा 12 बजे और हम बैठे बाहर। पता नहीं ये भीड़ अंदर के, ये जो लोग बैठे हैं पता नहीं ये डॉक्टर के इंतजार में बैठे हैं कि ऐसे बैठे हैं, कुछ पता नहीं है इसका। और अभी डॉक्टर भी नहीं आ रहे, 12 बजे से पहले नहीं आएंगे वो, 9 बजे 11:30। और हम छोले भटूरे खा के भी आ गए और ये बच्चे हो चुके हैं बहुत ज़्यादा बोर, क्योंकि हॉस्पिटल में तो ऐसे बोर हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता हॉस्पिटल में बैठना, अपना दिमाग खराब होता है हॉस्पिटल में तो आना। अब आ चुके हैं डॉक्टर और बस महक का नंबर आने वाला है थोड़ी देर बाद में, तो वही 2 बजे तक हम लोग फ्री हो पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है हॉस्पिटल में। और ये दोनों हो चुके हैं बोर और ये दोनों देख रहे हैं कि हम दोनों भाई बहन हैं, मैचिंग मैचिंग कर रहे हैं, जैसे इसके यहाँ पे तिल है तो उसके वहाँ पे भी तिल है, तो गहरा हम दोनों भाई बहन है और इससे ये कर रहे हैं मज़े वाली बातें ये लोग, क्योंकि इनको आज ही पता चला है ये दोनों भाई बहन है, आज ही इनको रियलाइज हुआ है। अभी अभी थोड़ी देर पहले लगा था पता ना कि दोनों भाई बहन है, इन लोगों को अभी पता चला क्योंकि खोए हुए भाई बहन थे यहाँ पे आके बैठे और इन दोनों को पता लग गया। उधर अब हम बैठे हैं यहाँ पे, अल्ट्रासाउंड होगा इसका, डॉक्टर से मिल लिए, डॉक्टर ने लिख दी टेस्ट, 4-5 टेस्ट लिखे, लेकिन सबके लिए तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि अभी रहने दो, पहले आप अल्ट्रासाउंड करा दो। तो अल्ट्रासाउंड के वहाँ पे जाके पर्ची कटवा दिए, पैसे जमा करवा दिए और हम कर रहे हैं वेट। और इसको बोला है कि पानी पियो पानी पियो, और ये लड़की कह रही है कि मैं नहीं पी रही पानी, पानी पी, हाँ पी चुकी हूँ यार, इतना पानी पी चुकी है ये, 2 बोतल पानी पी चुकी है और इसको बड़ा पेट में दर्द, कह रही है मैं अब पानी नहीं पीऊँगी, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया इसने और टाइम हो गया दिन के 1:30 बज चुके हैं और बेचारी पानी पानी पी पी के बहुत परेशान है। तो इधर ही बैठे हैं हम, यहीं होगा इसका अल्ट्रासाउंड सामने सामने, कमरा नंबर 616। तो अब जाएंगे फिर इसको बुलाएंगे, फिर आधा घंटा लगेगा, फिर 4 बजे, 4 बजे से पहले डॉक्टर फिर दोबारा इसका रिपोर्ट चेक कर लेंगे, डॉक्टर ने बोला कि आप अभी कभी करा दो तो हम करा देंगे। घूम ले, ये घूम रही है महक, पानी पी के थोड़ा थोड़ा करके घूम ले, पानी पी ले और कोई बात नहीं, भूख लग रही कोई बात नहीं, अभी टेस्ट हो जाएगा फिर खाना खिलाऊंगी इसको। हॉस्पिटल में भी आलू के पराठे खाने, कहाँ हुआ था तेरा देखा, क्या अल्ट्रासाउंड हुआ जो यहाँ हुआ था, इसमें क्या दिखाऊं क्या खाएगी आलू के पराठे। अच्छा अब इसका हुआ है ब्लड टेस्ट, ये देखो ये निकाल के हुआ है टेस्ट और ये देखो ब्लड, बेचारी मेरी बेटी के छेद कर दिया डॉक्टरों ने, ये टेस्ट किया इसका, मैं देखो वो नहीं लग रहा, ये देखो खुशी देखो, मेरे को डर थोड़ा लगता इंजेक्शन से है, मेरे को तो बहुत डर लगता है इंजेक्शन से, कैसे मैं क्लीन करेंगे, मैं देख रही थी कैसे कैसे, मैंने तो पूछा भी कि कैसे डालते हैं, कैसे पता लगता है, हां फिर ऐसे ऐसे यहां पे भरना पड़ता है ताकि नस दिखे, उसके बाद ऐसे थोड़ा दबाओ। अच्छा मतलब सीख रही थी तू। अब हम निकल रहे हैं इस हॉस्पिटल से, माता चंदन देवी से हैं, बड़ा चंद्रा जाएंगे, वहाँ पे खड़ी है हमारी स्कूटी, क्योंकि स्कूटी हम छोड़ के आए थे, ऑटो में बैठ कर आए थे और अब हम फिर दोबारा ऑटो में जा रहे हैं, बैठ के हो चुका है इसका, अब मंडे को आएंगे यहाँ पे हॉस्पिटल में और इसके और टेस्ट होंगे। ये चल रही थी भूखी प्यासी है, ये आज इसने कुछ भी नहीं खाया है। अब मैं आ गई हूँ शॉप पे और मैंने कर ली थ्रेडिंग अपनी फोरहेड, क्योंकि आते के साथ ही गिरा गई थी, क्योंकि एक हफ्ते से
शॉप हुई है बंद और इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही थी कि मैंने बड़ी मुश्किल से ये सब साफ करके ये ऑलमोस्ट पूरा सेट कर दिया। झाड़ू पोछा रह चुका है, अभी मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, घर से बुला रही हूँ कि तो बेटे को कि हस्बैंड को कि भाई आ जाओ मदद कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है, शॉप पूरी डस्ट डस्ट हो रखा है। तो अभी करूँगी यहाँ से साफ सफाई सारे, कर रही हूँ फ्रूट ब्लीच ये मैंने ले ली और इसको घोल दी अच्छे से। ये मैं कर रही हूँ पल फेशियल और ये मैंने ले ली बाउल और हैंकी। ये लग रहा है फेस पैक, फाइनली हो चुका है इनका फेशियल। कर रही है दीदी जो बहुत बीमार है, लेकिन फिर भी मैं इनसे काम करा रही हूँ कि दीदी आप कर दो, और आज दीदी हॉस्पिटल से भी आई हैं। ये लगा रहे हैं फेस सीरम, क्योंकि फेशियल थ्रेडिंग अपर लिप फोरहेड इनका हो चुका है, तो अब हो रही है फेस सीरम। अब हमारा हो गया फेशियल ब्लीच और क्लाइंट जा चुका है, अब करेंगे यहाँ से साफ सफाई। गाउन पड़ा हुआ, गाउन का कर गए हैं और ये पूरा गंदगी हो रखी है, ये अब करेंगे सुबह आके और अब निकलने की तैयारी हो रही है। बज गए रात के 9 और यहाँ से हो चुका है पूरा पैक, हस्बैंड ने कर दिया और अब निकलेंगे पैदल पैदल, क्योंकि वो स्कूटी नहीं लेकर आए थे, वो ऐसे आ गए थे आज बिगर स्कूटी के। तो हम लोग भी जाएंगे 11 नंबर की बस पकड़ेंगे और सीधे पहुँचेंगे घर। और आज तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं, सुबह से हॉस्पिटल में थी और फिर अब यहाँ पे आने के बाद में भी काम हम था। ये हो रहा है यहाँ पे प्यार कालू से, ये देख ये रही है तेरे से, ये देख ये डर रही है, ये कालू तो बहुत पा रहा है मेरा, और ये देख पा रहा है, अब आ रही है ये देख ये डर रही है। ए मार्टिन भाई साहब, और ये लेंगे ब्रेड, ब्रेड खाओगे, भुक्की लग ली बेटे को भुक्की लग ली बेटे को, ओले 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 ओले। ये बन गई है हमारी चाय चारों की, ये है बेटे की, ये मेरी और ये बेटी की और ये हस्बैंड की, और ये लाए ब्रेड के पैकेट रखकर कि ब्रेड खानी है तो खा लो। महक आ जा चाय ले ले, और इतना ज़्यादा आज तो थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गया, सुबह से तो वहाँ हॉस्पिटल में लगे हुए थे, दुकान पे भी काम किया, और अब तो इतनी कमर में भी दर्द हो रहा है और पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि हालत हो रही है ख़राब। और अब बनानी है लड़की इसके लिए, बेटी के लिए बनाऊँगी पतली पतली दाल, हल्का नमक और हल्की मिर्च डाल के उबाल दूँगी दाल, और पतली पतली रोटी, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है बाकी सब कुछ खाने के लिए, बहुत लाइट लाइट खाना है इसको, क्योंकि पथरी वथरी तो इसकी निकली नहीं, और वैसे ही बोला डॉक्टर ने कि भाई सीटी स्कैन होगा सोमवार को, इसका सोमवार को जाना है हॉस्पिटल इसको लेके। तो बस वो ये यार, इतना ज़्यादा आज तो पूरा दिन हमारा ऐसे निकला है कि बस हम तो उस चक्कर में थे कि इसको पथरी है, लेकिन चलो वो तो नहीं निकली, वो तो टेंशन क्लियर हो गई। अब देखते हैं, अब कराते हैं इसका टेस्ट सोमवार को, फिर देख पता लगेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है इसको। ये आ गई बेटी मेरी, ये कह रही है कि मैं भी पीऊँगी मम्मी चाय, क्योंकि इसके लिए नारियल पानी आया हुआ है, इसका भाई लेकर आया नारियल पानी इसके लिए, और ये लड़की कहेगी कि मैं तो पीऊँगी चाय, और इसके भैया बैठे हैं, इसके भैया जी, और देख वे भी थक गया बहुत ज़्यादा हमारे साथ घूम घूम के। ये बनाऊँगी मैं दाल, और कर रही हूँ इनको साफ के कोई कंकर वंकर ना हो, इसीलिए थोड़ा सा हाथ मार लूं। क्यों बात हुई, ये देख मेरी बेटी बैठो, सिट डाउन, ये देख ये क्या बात, भूख लग रही है, रोटी बना रहे अभी, बना रहे अभी, इसको लग रही है भूख, और ये देखो यहाँ आके बैठा है, देख रहे हैं ये को। और ये मैंने चढ़ा दिया दाल का पानी, इसमें डाल दिया हल्दी मिर्ची और नमक और थोड़ा सा तेल। ये छान लिया मैंने आटा, ये काट लिया मैंने टमाटर और लहसुन और प्याज, गुंद गया मेरा आटा। देखो ये मार्टिन भाई से बैठे यहाँ आगे, कहा हुआ बेटा, कौ बात हुई बेटे को, कौ बात हुई चिंदल को, लेटे हैं दोनों भाई बहन, ये दोनों लेटे पड़े हैं यहाँ पर, लेटे हुए हैं, अब इनके लिए बन रहे खाना। और ये दोनों बहन भाई जो देखो कितना प्यार है, दोनों पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, और मैं आती हूँ वैसे चुप हो जाते हैं, मतलब मुझे मेरे से कोई बात शेयर नहीं करते दोनों, ये अपने आप ही लगे रहते हैं, है भाई क्यों भाई, देख दोनों का ध्यान ही नहीं है भाई, हम क्या ध्यान नहीं है भाई, और क्या, तुम लोग मेरे को तो कोई बात नहीं बताते,
अच्छा जी, आप लोगों के मतलब की बात है दोनों की। क्या है भाई सब भाग कर मेरे पीछे पीछे, कौ हुआ बेटे, कौ बात हुई। अब मेरा बन गया खाना, आटा लगा दिया, दाल बन गई और बस दाल फ्राई करनी है और इसको देनी है रोटी बना के, क्योंकि मैंने बहुत कम मसाले की सब्जी बनाई है। ये दाल को पिएगी सूप की तरह और बस अब फटाफट बना के दे दूंगी इसको। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।